देन इनफ, ठीक है। आपको समझना इम्पोर्टेंट है, समझ के आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी मैंने बुकिश लैंग्वेज लिखी है ताकि आपको एक स्टैंडर्ड कंटेंट मिल सके, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको समझ में आ गया हो सो यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। सो ज़्यादा इसको भाव देने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं सीधा। अब अम्बिलिकल प्लग क्या होता है कि कैलकेरियस सेल डिपॉजिट फिलिंग इन दी अम्बिलिकस, जब अम्बिलिकस में आपका कैलकेरियस सेल डिपॉजिट हो जाए उसको आप क्या बोलते हैं, प्लग, अम्बिलिकस प्लग। अम्बिलिकल शोल्डर क्या होता है, पोर्सन ऑफ द सेल बोल्डरिंग द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस की जो बोल्डरिंग हो रही है उसको आप क्या बोलते हैं, शोल्डर। अपर्चर क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द लास्ट चैम्बर, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो अपर्चर है वो दो कैलकेरियस प्लेट से कवर्ड होता है, समटाइम्स द अपर्चर इज कवर्ड विद हेल्प ऑफ टू कैलकेरियस प्लेट्स, उनको आप क्या बोलते हैं, एनाफाइकस एंड एफाइकस, एपिटिकस जो भी देख लो ना इसको क्या बोलोगे आप, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, बस याद रहना चाहिए कि इन सेफलोपोड समटाइम्स द अपर्चर, अपर्चर इज द बेसिकली द लास्ट चैम्बर ऑफ द बॉडी चैम्बर विच इज़ द ओपनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो कभी कभी दो कैलकेरियस प्लेट से कवर्ड रहती है। उन दोनों कैलकेरियस प्लेट्स को क्या बोलते हैं, एनापिकस एंड एपिटिकस, ये रिस्पेक्टिवली है, इसको ध्यान में रख लेना। हाइपोनोमिक साइनस क्या होता है, इनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, जैसे पेलियल साइनस अपन ने डिफाइन किया था प्लेसिपोड में कि इनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द पेलियल लाइन, दैट इज पेलियल साइनस टुवार्ड्स द पोस्टीरियर मार्जिन, याद आ रहा है। तो ऐसे आपका हाइपोनोमिक साइनस है, इनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द वेंट्रल मार्जिन है ना ऑफ द अपर्चर टू होल्ड द फनल और हाइपोनोम, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चैम्बर और कैमरा अपन कैसे डिफाइन करते हैं, कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल, सेल के अंदर जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं उनको आप क्या बोलते हैं, चैम्बर और कैमरा। और इनिशियल चैम्बर है वो किससे भरा हुआ रहता है, गैसेज, द इनिशियल चैम्बर विल बी फिल्ड अप विद गैसेज, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। मैंने कैमरल डिपॉजिट भी बताया था और बोला था कि कैमरल डिपॉजिट आपका फ्लूड भी हो सकता है और वो सिर्फ गैस भी हो सकती है। तो जो इनिशियल चैम्बर होता है दैट इज़ प्रोटोकॉन्स, वही है, दैट कैन बी फिल्ड अप विद द गैसेस, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो ये आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा, जैसे ये डायग्राम है तो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आया जाएगा कि जैसे मैं क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कॉन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपन ने स्ट्रेट कर दिया है बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज़ द हाइपोनोमिक साइनस, दिस इज़ द अपर्चर, द पेरीफेरी ऑफ दिस अपर्चर इज पेरिस्टोम, ये बॉडी चैम्बर, ठीक है। ये चैम्बर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको आप क्या बोलते हैं, फ्रेगमोकोन, ये आपके सारे के सारे चैम्बर्स हैं। दिस इज़ द इनिशियल चैम्बर, इसको आप क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉन्स, द पॉइंटेड एंड ऑफ दिस प्रोटोकॉन्स इज नोन एज एपेक्स एंड दिस प्रोटोकॉन्स विल बी फिल्ड अप विद द गैसेज, ठीक है। ये जो आपकी एक कैनाल जा रही है इसको आप क्या बोलते हैं, साइफनकल, ठीक है। और साइफनकल के बगल में क्या हो रही है, आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, सेप्टल नेक, ठीक है। ये सेप्टल नेक आपकी अपर्चर, इस केस में अपर्चर से आवे जा रही हैं, कुछ केसेस में अपर्चर की तरफ भी जाती हैं, तो अपन उसके बेसिस पे सेप्टल नेक के पार्ट डिफाइन करेंगे, टाइप्स डिफाइन करेंगे। तो इस डायग्राम को आपको बनाना है, ये डायग्राम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करो और इस डायग्राम को बना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे शेप ऑफ द सेल, तो सेफलोपोड की जो शेप है, सेफलोपोड का जो सेल है उसकी बहुत सारी शेप है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट में क्या है कि वो अनकोइल्ड हो, दूसरा क्या है कि पार्टली कोइल्ड हो, तीसरा क्या है बहुत टाइटली कोइल्ड हो, ये तो तीन टाइप अपन देखते हैं। कुछ अनयूजुअल टाइप भी होते हैं जैसे बोट शेप है, हुक शेप है, ठीक है। तो अपन बेसिकली सिंपल चीज़ें डिफाइन करेंगे, बहुत टफ नहीं जाएंगे अपन। इसमें देखते हैं सिर्फ कि शेप ऑफ द सेल में अपन सिंपली क्या देख रहे हैं कि क्योंकि वेरिएबल शेप्स शो करता है, तो अपन पहले देख रहे हैं कि अनकोइल्ड और पार्टली कोइल्ड हो, तो उसके कुछ टाइप्स हैं जैसे ऑर्थोकोन, सिटोकोन, ब्रेविकोन, लिसिटिकोन एंड गायरोकोन, ये कुछ पांच टाइप हैं जो अनकोइल्ड और पार्टली कोइल्ड सेफलोपोड की सेल की शेप को इंडिकेट करते हैं। ऑर्थोकोन में क्या होता है कि जो आपका सेल है वो अनकोइंड है और स्ट्रेट है, ठीक है, अनकोइंड है, कोइल्ड है और स्ट्रेट है। सिटोकोन में क्या हो रहा है, स्लाइटली कर्व्ड सेल, मतलब थोड़ा सा ये कर्व्ड होगा इस तरह से, ठीक है। फिर आपका क्या हो रहा है,
ब्रेविकॉन, शॉर्ट एंड सीटोकॉन, मतलब बेसिकली ब्रेविकॉन इज ए टाइप ऑफ सीटोकॉन, बट सीटोकॉन जब छोटा हो जाएगा तो उसको आप क्या बोलते हैं, ब्रेविकॉन। लिसिटिकॉन में क्या होता है कि जो कोइलिंग होती है वो लूजली कोइलिंग होती है, ठीक है, और जो आपका इनिशियल पार्ट जो है वो तो लूजली कोइल्ड होता है और जो रेस्ट पार्ट है वो आपका स्ट्रेट होता है। गायरोकॉन में क्या होता है, इवोल्यूट टाइप ऑफ सेल। अब इवोल्यूट टाइप ऑफ सेल में क्या होता है वो अपन देखते हैं, अभी कोइलिंग के टाइप्स देखेंगे तो समझ में आएगा। इवोल्यूट टाइप में क्या होता है कि कोइलिंग तो हो रखी है लेकिन जो वॉल्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या है कि आप सारे के सारे वॉल्स को आसानी से देख सकते हैं, ऑल दी वॉल्स विल बी विजिबल, ठीक है। तो इसको अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कि ये जो टाइप्स हैं, मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ को और कम कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ आसानी से दिख सके। जैसे ये आपका है तो ये ऑर्थोकोन का एग्जांपल है, स्ट्रेट है बिल्कुल, ये सीटोकोन है थोड़ा सा कर्व्ड है, ठीक है। फिर जो इनिशियल चैम्बर है ये आपके, इसके अंदर कोइलिंग है और बाकी का सारा स्ट्रेट है, ये आपका लिसिटिकॉन है, ये गायरोकोन है, ठीक है। गायरोकोन में क्या हो रहा है कि आपको इवोल्यूट टाइप का सेल मिलता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वॉल है वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, टच नहीं करेंगे तो आपको सारे के सारे विजिबल दिखेंगे, ठीक है। तो ये है, आप ध्यान में रखना, ये मैं इस पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ सब कुछ कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, चाहे एमएससी फाइनल में हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियो लेक्चर हर तरीके से रेलेवेंट लगे, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू पुट ऑल द रेलेवेंट कंटेंट इनटू दिस वीडियो लेक्चर, सो यू विल गेट दी बेसिक एंड फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेफलोपोड, ठीक है। सो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर जैसे कोइल्ड सेल आ गए कि आपके सेल हैं उसमें कोइलिंग है, तो कोइलिंग किस तरह की हो, जैसे स्फेरोकोन हो गया, कैडिकोन हो गया, ऑक्सीकोन हो गया और प्लेटिकोन हो गया, ठीक है, ये चार टाइप की कोइल्ड सेल होते हैं। तो स्फेरोकोन में क्या होता है, ग्लोबुलर सेल होता है, इसका एग्जाम्पल मैक्रोसेफलाइट्स, ठीक है। कैडिकोन होता है तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लोबुलर सेल विद पेंटागोलन शेप, पेंटागोलन इन शेप और आउटलाइन। ऑक्सीकोन में क्या होगा, सेल इज रोम्बिक इन आउटलाइन। पेलेटिकॉन में क्या होना, सेल इज रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन, और ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में देखना है, सेफलोपोड के एग्जाम्पल याद करना बहुत ईजी है क्योंकि सबके लास्ट में सिरा 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 लगता रहता है, तो इसके एग्जाम्पल याद करने में आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा। तो ये आपके स्फेरोकॉन मतलब ग्लोबुलर सेल, कैडिकॉन मतलब ग्लोबुलर सेल विद पेंटागुलर आउटलाइन, ऑक्सीकॉन मतलब रोम्बिक आउटलाइन, प्लेटिकॉन मतलब रेक्टेंगुलर आउटलाइन। तो आपको सिर्फ यही चीज़ तो ध्यान में रखनी है और इनका क्या क्या नाम है, बस, ठीक है। नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम के लिए आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। आगे जैसे ये शेप्स हैं सारी की सारी जो अभी डिफाइन करी थी, स्फेरोकोन आ गया आपका, ठीक है, ये एलिप्टिकल शेप है, ये पेंटागोनल शेप है, तो पेंटागोनल शेप को आपने कैडिकॉन डिफाइन किया था, रेक्टोकर को आपने प्लेटिकॉन डिफाइन किया था, ठीक है, और रोम्बिक को आपने ऑक्सीकॉन डिफाइन किया था। तो ये जब शेप्स आपको मिले तो इनको आप क्या बोलते हैं, स्फेरोकोन, कैडिकॉन, ऑक्सीकॉन, प्लेटिकॉन और आपका क्या बच गया लास्ट में, बस हो गया, ठीक है, इतने बहुत हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे जैसे कोइलिंग टाइप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपने को कैमरे की विड्थ वापस बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली कोइलिंग टाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रोपॉड में भी ये सारी सारी कोइलिंग टाइप्स अपन डिफाइन करते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इन कोइलिंग टाइप्स को अच्छे से समझ लें, क्योंकि गैस्ट्रोपॉड में अपन इनको वापस डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो गैस्ट्रोपॉड में जब इनको डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको अभी इसको समझ लेना चाहिए, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इनको समझाने की आपको। तो जैसे ठीक है, अभी ठीक है, ये अटका है। तो जैसे प्लेनी स्पायरल है, तो प्लेनी स्पायरल का मतलब क्या है कि एक सिंगल प्लेन के अंदर एक एक्सिस के अलोंग आप कोइलिंग कर दें। When you are coiling around an axis in a single plane, like in winter season, we often coil our water pipe in a single plane, like over this is the our axis and we just coil the pipe. So this is the single plane in which we are coiling the water pipe around this axis. So we are taking this is as a reference of axis. So this is the plane spiral. Plane spiral में important point क्या है, एक ही plane के अंदर आपकी एक axis के along coiling हो रही है। Cone spiral का मतलब क्या है कि like you have taken this axis of reference. So you are coiling one time in this plane, another time in this plane, another time in this plane,
एंड दिस आर द लाइक इन मार्कर, दिस इज़ द एक्सिस और दिस इज़ द एक्सिस, ठीक है. सो वन टाइम यू आर कोइलिंग इन दिस वे, इन सेकेंड टाइम यू आर कोइलिंग इन दिस वे हॉरिजॉन्टली, सेकेंड टाइम यू आर कोइलिंग ऑब्लिक टू द एक्सिस दिस, ठीक है. सो यू आर डूइंग द कोइलिंग वर्क मोर देन वन प्लेन, इन मोर देन वन प्लेन. सो इट विल बी डिफरेंट प्लेन्स में जब आप कोइलिंग करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, कोनी स्पाइरल. तो ये सिफलोपोड में रेयर होती है. रेयर होने का मतलब ये नहीं है कि सिफलोपोड के अंदर मिलेगा नहीं, है ना. तो रेयर होती है लेकिन मिल तो सकता ही है ना. फिर इवोल्यूट में क्या होता है कि आपका कोइलिंग तो हो रखी है लेकिन जो वॉल्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं. अब जब टच नहीं करेंगे तो वो सारे के सारे एक दूसरे को देख सकते हैं आराम से. एडवोल्यूट में क्या हो रहा है कि कोइलिंग हो रखी है. ये सारे के सारे प्लेन स्पाइरल के एग्जांपल हैं, ठीक है. सो ये जो एक सेकेंड, ये जो आपके इवोल्यूट, एडवोल्यूट, इनवोल्यूट, कॉन्वोल्यूट, ये चारों टाइप की जो कोइलिंग है दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्लेनी स्पाइरल कोइलिंग, ठीक है. सो एक ही प्लेन के अंदर इनके अंदर कोइलिंग हो रखी होती है. तो इवोल्यूट में क्या होता है कि कोइलिंग हो रखी है, वॉल्स आर नॉट टचिंग ईच अदर. एडवोल्यूट में क्या हो रहा है, कोइलिंग तो हो रखी है बट द वॉल्स आर जस्ट टचिंग ईच अदर. एंड इनवोल्यूट में क्या होता है, द वॉल्स आर टचिंग ईच अदर बट द आउटर वॉल्स आर नॉट ओवरलैपिंग द इनर वॉल्स कंप्लीटली, विच मीन्स यू कैन स्टिल सी और यू कैन स्टिल एबल टू सीन द अर्लियर वॉल्स. लाइकवाइज द अर्लियर वॉल्स आर विजिबल इन केस ऑफ इनवोल्यूट कोइलिंग बिकॉज द लेटर को वॉल्स आर नॉट कंप्लीटली ओवरलैपिंग और एनवेलपिंग द inner walls. But in case of convolute coiling, the walls are touching also and the later one or last wall is completely enveloping the inner walls. So you will able to see only the last wall, not the inner walls. So in case of evolute, you will be able to see all the walls. Advolute, again you will be able to see all the walls. Involute, partly visible, partly not visible. In convolute, you will only able to see the last body wall, not the inner walls. So this is the case of the coiling in case of types. But एक fundamental point इसमें ध्यान में रखना है, वो है कि evolute, advolute, involute and convolute all are the examples of plane spiral coiling, not the cone spiral. सो ये आप ध्यान में रखेंगे. इनके एग्जांपल्स आप याद रखना चाहें तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो अगेन मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा. सो लाइक प्लेनी स्पायरल, पेरिस्पेक्ट, पेरीफिनिक्स और कोनी स्पायरल रेयर इन सिफलोपोड्स. फॉर एग्जांपल इन टूरिलाइट्स वी विल गेट कोनी स्पायरल कोइलिंग इन सिफलोपोड्स. इवोल्यूट के लिए गायरोसिराज हो जाएगा, एडवोल्यूट के लिए सेंट्रोसिराज हो जाएगा, इनवोल्यूट के लिए मैक्रोसिफलाइट्स हो जाएगा और कॉन्वोल्यूट के लिए आपका नोटिलस एग्जांपल हो जाएगा. तो नोटिलस के अंदर आपको सिर्फ आउटर वॉल देखने को मिलता है, इनर वॉल्स आर कम्प्लीटली एनवलप्ड बाय द आउटर वॉल्स. तो ये बेसिक पॉइंट आप एक ध्यान में रखेंगे. अब इसमें आई थिंक टाइम, चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं इनको आगे भी. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट कोइलिंग. लाइक दिस इज इवोल्यूट, ऑल द वॉल्स कैन बी सीन. दिस इज एडवोल्यूट, जस्ट टचिंग ईच अदर. इनवोल्यूट, पार्टली सीन. एंड कॉन्वोल्यूट, ऑल द इनर वॉल्स आर एनवलप्ड बाय दिस आउटर वॉल, ठीक है. सो ये आप ध्यान में रखेंगे. फिर आपका सेप्टम एंड सूचर क्या होता है. सेप्टम क्या होता है, एक पार्टीशन होता है. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन पैलेंटोलॉजी मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें सेप्टम, सूचर, वॉल, डोर्जल, वेंट्रल, पोस्टीरियर, इंटीरियर सब डिफाइन किया हुआ है. आप उस वीडियो को देख लीजिए, ये टर्मिनोलॉजी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. फिर भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ सिंपल सा. सेप्टम क्या होता है, एक पार्टीशन वॉल होती है जो दो एडजेसेंट चैम्बर को सेपरेट करती है. लाइक आप जैसे एक रूम बना रहे हो, तो जैसे ये एक रूम है और इसमें आपने एक पार्टीशन डाल दिया, ठीक है. सो एक ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर हो गया. तो दिस पार्टीशन विल सेपरेट दीज टू चैम्बर्स, एडजेसेंट चैम्बर्स इन टू डिफरेंट चैम्बर्स, ठीक है. सो ये एक आपका सेप्टम हो गया. अगर आपने बहुत सारे पार्टीशन डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, सेप्टा हो जाएगा, ठीक है. अब ये जो सेप्टा है वो इस रूम की अपर जो वॉल होगी,
मान लो एक ये जो रूम है इसमें मैंने एक पार्टीशन डाल दिया ऐसे, तो ये पार्टीशन आपकी सीलिंग को जाकर के कहीं ना कहीं टच करेगा, सीलिंग को टच करेगा तो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को आप क्या बोलते हैं, सूचर लाइन। सिंपल, ठीक है। अब सूचर लाइन के जो पैटर्न्स हैं सेफलोपॉड में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस सूचर लाइन के पैटर्न्स को अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस वीडियो के लिए आपका ये काफ़ी हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। एक फनी सा हो गया था, मुंह में पता नहीं क्या आ गया था, तो इग्नोर इट। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं जल्दी, ठीक है। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।